न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से सामने आ रही है। AKTU यूपी राज्यसभा प्रवेश परीक्षा, आज ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 1,60,700 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल। प्रदेश भर में 206 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लखनऊ में 19 परीक्षा केंद्र पर होगी परीक्षा, तो ये बड़ी और अहम जानकारी। 3 चरणों में आयोजित होगी परीक्षा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, AKTU यूपी राज्य प्रवेश परीक्षा आज है। 1,60,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। प्रदेश भर में 206 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। लखनऊ में 19 परीक्षा केंद्र पर होगी परीक्षा, 3 चरणों में आयोजित होगी परीक्षा, जिसको लेकर तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे परीक्षा को लेकर, लगातार यहां पर कई संशय बना हुआ था कि आखिर इस महामारी के दौर में किस तरीके से परीक्षाएं होंगी, क्या आम छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। लेकिन ऐसे में कई आरोप प्रत्यारोपों के बाद भी धीरे धीरे कर लगातार एग्जाम जो है वो शुरू किए गए। नीट की परीक्षाएं शुरू हुई, JEE की परीक्षाएं जो है वो यहां पर शुरू हुई, और ऐसे में आप देखिए किस तरीके से आज AKTU की परीक्षा जो है आज जो होने जा रही है। 3 चरणों में आयोजित होगी परीक्षा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं। और खास तौर पर आपको जानकारी दे तो इस महामारी के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना बेहद अहम है, और इसी के साथ साथ और जानकारी दे आपको कि सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना बेहद जरूरी हो चुका है। और ऐसे में तमाम छात्रों से यह भी अपील की जाएगी कि जब वो यहां पर पहुंचे तो अपने सुरक्षा के साथ यहां पर पहुंचे, अपने हाथों को प्रॉपर सैनिटाइज करेंगे, और खासतौर पर पानी की बोतल अपने पास रखें, और जैसे ही आप एग्जाम सेंटर में घुसे तो आप किसी से भी बातचीत ना करें। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर AKTU यूपी राज्य प्रवेश परीक्षा आज होने जा रही है। 1,60,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए तैयार है। ऐसे में आपको अगर आगे की जानकारी दे तो प्रदेश भर में 206 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 3 चरणों में परीक्षाएं होने की बात यहां पर सामने आ रही है। लखनऊ में 19 परीक्षा केंद्र पर इसकी परीक्षा जो है वो होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जो है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। AKTU यूपी राज्य प्रवेश परीक्षा आज है। 1,60,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। प्रदेश भर में 206 परीक्षा जो केंद्र है वो यहां पर बनाए गए, और खासतौर पर आपको जानकारी दे तो लखनऊ में 19 परीक्षा केंद्र पर यह परीक्षा जो है वो होने जा रही है। 3 चरणों में आयोजित की गई है परीक्षा। तो ये तमाम अपडेट्स जो है वो लगातार हम आपको दे रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, लगातार तमाम तैयारियां जो है वो हो रही हैं। और 1,60,000 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो इस बार परीक्षा में बैठेंगे। लखनऊ में 19 परीक्षा केंद्र पर ये यहां पर चर्चा जो है वो होने जा रही है, परीक्षा जो यहां पर होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 चरणों में आयोजित होगी परीक्षा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां लगातार यहां पर की जा रही हैं। और इसी बीच और बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने आ रही है लखनऊ से। चुहा ये बड़ी खबर आप पोर्टल पर उपलब्ध होगी कोरोना रिपोर्ट। बड़ी और अहम जानकारी, उत्तर प्रदेश कोविड पोर्टल का होगा लोकार्पण। पोर्टल का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। सुबह 10:30 बजे सीएम आवास से होगा लोकार्पण। कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो एक तरफ महामारी के दौर में जिस तरीके से लगातार जो आम जनता है उनकी टेस्ट यहाँ पर की जा रही है, लेकिन रिपोर्ट को लेकर लगातार कई बार सवाल खड़े किए गए और कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है आम जनता को, और खास तौर पर तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी और तमाम कर्मचारियों को भी। लेकिन इसी का समस्या का समाधान करने के लिए आज सीएम योगी जो है लोकार्पण करने जा रहे हैं। कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आज आपको बता दें कि पोर्टल का लोकार्पण किया जाएगा, और इस पोर्टल पर जैसे ही आप अपना नंबर दाखिल करेंगे आपको आपकी रिपोर्ट आपके सामने मिल जाएगी। और इसी बीच कानपुर से अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर रेप पीड़ित परिजनों की पिटाई का मामला आया सामने। 10 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी पर मुकदमा कराने के बाद भी धमकी मिल रही है। आरोपी का परिवार मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में आपको जानकारी दे कि विरोध करने पर आरोपी के परिजनों ने जमकर पिटाई कर दी है। नवबस्ता पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी यहां पर लगाया गया है। तो कानपुर से यह बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आरोपी का परिवार मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहा है, और मासूम के साथ यहां पर रेप किया गया, जिसके बाद जब मासूम के परिवार वालों ने
ये कार्रवाई करने की बात कही और लगातार मांग की गई, तो यहाँ पर लापरवाही बरते हुए की बात भी सामने आ रही है कि पुलिस कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं कर रही है और खासतौर पर पीड़ित के परिवार को भी यहाँ पर पीटा गया है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से तीन महिलाएं जो है वो खड़ी है, उन्हें पीटा गया यहाँ पर। हालांकि लगातार कार्रवाई करने का आश्वासन यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल अभी भी खड़ा हो रहा है कि जब मुकदमा दर्ज करवा दिया गया तो आखिर क्यों नहीं कार्रवाई की गई। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कानपुर से रेप पीड़ित के परिजनों की पिटाई का मामला हम आपको लगातार बता रहे हैं। मासूम के साथ यहाँ पर रेप किया गया था, उसके बाद जब पूरा मुकदमा दर्ज कराया गया उसके बाद भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और वही कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र के पंचोबा गांव में तीन बहनों पर एसिड अटैक का मामला आया सामने। घटना के वक्त परिवार छत पर सो रहा था, तभी छत पर चढ़कर अज्ञात बदमाशों ने तीन बहनों पर एसिड अटैक कर दिया। एसिड हमले में एक बहन गंभीर रूप से झुलस गई है जबकि दो बहनें मामूली रूप से झुलसी हैं। परिजनों के शोर मचाने पर ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक बदमाश घटना को अंजाम देकर मौके से भागने में सफल हो गया था। फिलहाल घायलों को इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और कार्रवाई की जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी, तरफ सरकार और प्रशासन के कई दावे होते हैं कि ऐसे अटैक के मामले जो है वो कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसी बीच में आपको जानकारी दे कि तमाम दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और अपने आप में देखिए किस तरीके से चिंताजनक भी है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर एसिड अटैक का मामला सामने आया। तीन बहनें जो कि रात में छत पर सो रही थी, अज्ञात बदमाश छत पर चढ़ता है और फिर एसिड फेंक कर वहां से भागने में सफल हो जाता है। आपको जानकारी दे कि दो बहनें जो है वो काम झुलसी है, लेकिन एक महिला जो है वो बुरी तरीके से यहाँ पर झुलस चुकी है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए। राकेश, क्या अपडेट सामने आ रहा है? मुकदमा दर्ज कर लिया गया, क्या अभी तक बदमाश की पहचान अभी तक हो पाई है? बिल्कुल राकेश, तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार नजर जो है वो आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और ऐसे में रोजगार को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट आया सामने, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। युवाओं के आंदोलन के दबाव में पीछे हटी सरकार, सरकारी अधिकारियों कर्मियों को यहाँ पर नाराजगी का दबाव है। संविदा 50 साल सेवानिवृत्त मामले में पीछे हटी सरकार, पराजय छुपाने के लिए विपक्ष पर राजनीति का बहाना, न चली तानाशाही न चलेगी बहानाशाही। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश में रोजगार को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं, तमाम युवा भी अब सड़कों पर उतरते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि हमने देखा भी था कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लगातार बेरोजगार दिवस के हैशटैग जो है लगातार ट्रेंड कर रहे थे, लेकिन ऐसे में आपको जानकारी देखिए एक बार फिर से यहाँ पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर जिक्र किया गया है कि न चलेगी तानाशाही न चलेगी बहानाशाही। आप तस्वीर देख पा रहे हैं, यही वो ट्वीट है जो अखिलेश यादव ने कुछ देर पहले ये ट्वीट किया है और एक बार फिर से सरकार को घेरने की कोशिश की है, खासतौर पर रोजगार को लेकर कि आखिर आम जनता किस तरीके से परेशान है, लेकिन अभी तक सरकार रोजगार नहीं दे पाई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलिया से अगली खबर सामने आ रही है जहां पर बीजेपी विधायक ने अपनी पार्टी के सांसद को घेरा। चुहिया डीएम और सांसद वीरेंद्र सिंह के भांजे के खिलाफ दिया बयान, डीएम ने सांसद के दबाव में न्याय का गला घोटा। सुरेंद्र सिंह ने जिक्र किया है वो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो अनशन पर बैठेंगे, वो माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो होगा सत्याग्रह, प्रशासन और सरकार के खिलाफ होगा अनशन। सुरेंद्र सिंह ने साफ तौर पर यहाँ पर जिक्र किया है बलिया के सांसद। और आपको जानकारी दे सुरेंद्र सिंह जो है वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों को लेकर। बीजेपी विधायक ने अपनी पार्टी के सांसद को यहां पर घेरने की पूरी कोशिश किया गया है, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सुरेंद्र सिंह जो कि विधायक है वो लगातार, तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जो कि लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और ऐसे में आपको जानकारी दें कि बलिया से विधायक है और सांसद को घेरने की यहाँ पर कोशिश जो है वो की गई है। साफ तौर पर यहाँ पर जिक्र किया गया है कि वो माफिया पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम सत्याग्रह करेंगे अनशन करेंगे। 200 एकड़ जमीन का घोटाला हुआ है, 200 एकड़ जमीन का घोटाला सन 82-83 से लेकर के 87 के बीच में सब जो है फर्जी नाम से, यहाँ तक कि छपरा जिला का कोई है, कोई बिहार का है, कोई मुसलमान है, कोई यादव है, माने कोई ठाकुर है, माने हर जाति के जो फ्रॉड किस्म के जो सब लोग थे उस पर लगभग सौ लोगों ने 250 एकड़ जमीन पर अपना नाम चढ़वा लिया है। और उन्हीं जो नाम चढ़वाए थे, जो लोग नाम चढ़वाए हैं वो माफिया, उन्हीं लोगों से
उन्हीं लोगों से जो है सांसद जी का भांजा 13 लोगों से लिखवाया है। और भाई अलीगढ़ से अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर 9 साल की बच्ची ने की आत्महत्या, खूंटी से फंदा लगाकर उसने अपनी जान दे दी है। माता पिता बच्ची को नहीं ले गए थे साथ में, स्थानीय लोगों ने दरवाजा तोड़कर निकाला शव। बन्ना देवी थाना क्षेत्र की नलकूप कॉलोनी का मामला आया सामने। ये बड़ी और अहम जानकारी अलीगढ़ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मासूम बच्ची ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली है। गुस्से में आकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की है। हालांकि लगातार अब परिवार में कोहराम जो है वो मचा हुआ है। और इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराजगंज से खबर सामने आ रही है, जहां पर सिरफिरे पति का हाई वोल्टेज ड्रामा आया सामने। मोबाइल टावर पर चढ़कर किया हंगामा, पत्नी से नाराज होकर पति ने किया हंगामा। 6 महीने पहले गांव में मध्यस्थता कर कराई थी शादी। सदर कोतवाली के पिपरा कल्याण गांव का है पूरा मामला। जी हां, महाराजगंज की तस्वीरें आपके सामने है। मोबाइल टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा यहां पर काटा गया। पत्नी से नाराज होकर पति ने जमकर हंगामा काटा। 6 महीने पहले गांव में मध्यस्थता कर शादी कराई गई थी। इंडिया न्यूज आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से टावर पर चढ़ने के बाद इस शख्स ने जमकर ड्रामा किया है। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई थी। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर उसे अनुरोध किया कि आप जल्द से जल्द नीचे आए, पूरे मामले को सुलझा दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए किस तरीके से शख्स जो है वो टावर पर चढ़ा हुआ है और जमकर हंगामा करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी पत्नी से नाराज था, किसी बहस हुई थी जिसको लेकर काफी गुस्से में था और गुस्से में आकर इस शख्स ने टावर पर चढ़कर जमकर विरोध किया और जमकर हंगामा भी काटा। बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर।